निगम भिलाई क्षेत्र में रहने वाले किराएदार जो अब तक प्रधानमंत्री आवास योजना के घटक मोर मकान मोर आस के तहत अपने मकान के लिए आवेदन करने से वंचित रह गए हैं, वह अब निगम तुहार द्वार के तहत लगने वाले शिविर में आवेदन फॉर्म लेकर जमा करा सकते हैं, क्योंकि निगम मुख्यालय में ये आवेदन फॉर्म मिलना बंद हो गया है। निगम तुहार द्वार महापौर संघ गांठ गोट के शिविर में किराएदार बेघर परिवार आवास के लिए आवेदन फॉर्म जमा कर सकते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के मोर मकान मोर आस घटक अंतर्गत स्लम क्षेत्र में किराएदार के रूप में निवासरत किराएदार बेघर परिवारों को आवास आवंटन के लिए मुख्य कार्यालय के प्रधानमंत्री आवास योजना मुख्य काउंटर से आवेदन पत्र विक्रय करने की अंतिम तिथि 31 मई थी, जो कि समाप्त हो गई है और मुख्य कार्यालय से आवेदन पत्र विक्रय करना बंद कर दिया गया है। लेकिन निगम तुहार द्वार अंतर्गत महापौर संघ गोट कार्यक्रम के शिविर में वार्डो में निवासरत किराएदार बेघर परिवारों को आवास उपलब्ध कराने आवेदन पत्र वितरित किए जाएंगे। मुख्य कार्यालय में आवेदन पत्र विक्रय नहीं किया जा रहा है। वार्डो में लगने वाले शिविर में आवेदन का शुल्क 100 रुपए भुगतान कर आवेदन प्रपत्र प्राप्त किया जा सकता है। 31 मई तक निगम मुख्यालय से विक्रय किए गए फॉर्म को पूर्णतः भरे हुए दस्तावेजों के साथ जमा करने की अंतिम तिथि 15 जून निर्धारित की गई है। इस तिथि तक आवेदन पत्र निगम मुख्य कार्यालय में जमा किए जा सकते हैं। इसके जानकारी नगर निगम के प्रभारी जनसंपर्क अधिकारी शरद दुबे ने दी। महापौर जी द्वारा निगम के विभिन्न वार्डों के निवासियों को सुविधाएं प्रदान करने के लिए निगम तुहर द्वार महापौर संघ गोट बात शुरू किए हैं। ये लगभग सभी 70 वार्डों में इसका आयोजन होना है। महापौर जी खुद वहां पर उपस्थित होकर जन समस्याओं का निराकरण के लिए वहां के नागरिकों से भेंट मुलाकात कर उनकी समस्याओं को जानते हैं और स्थल पर ही जो समस्याएं निराकरण हो सकती हैं उनके बारे में निर्देश भी देते हैं अधिकारियों को। इसी तारतम्य में महापौर जी के गोटबात के जो कार्यक्रम चल रहा है उसमें शासन की विभिन्न योजनाओं के फॉर्म वितरण किए जा रहे हैं, उसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के भी फॉर्म वितरण किए जा रहे हैं, जो 100 रुपये देकर जो किराएदार में निवास रहते हैं भिलाई निगम क्षेत्र में वो प्राप्त कर सकते हैं, उसको आवश्यक दस्तावेज के साथ जमा कर सकते हैं जोन कार्यालय में। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।